आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नेशनल टुडे लैब। मैं हूं सरताज, मैं अभी मौजूद हूं देश की कोयला राजधानी जहां कोयला से रोशन होता है, छरिया विधानसभा में, जहां पे तिनकोनिया मुकाबला है। रुस्तम अंसारी चुनावी मैदान में आने से तिनकोनिया मुकाबला हो गया है। मैं उनके आवासीय कार्यालय में मौजूद हूँ, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा छरिया विधानसभा में रुस्तम अंसारी का क्या माहौल है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, झरिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह है, जो पिछले बार चुनाव में विजय हासिल की थी। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, पूर्णिमा नीरज सिंह भी है, भाजपा प्रत्याशी रागनी सिंह भी है और JLKM से रुस्तम अंसारी, जिन्हें प्यार से लोग चचा के नाम से जानते हैं। तो मैं सीधे उनसे बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं अपने आवासीय कार्यालय में आपका स्वागत करता हूं जी, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को और झरिया, खासकर झरिया विधानसभा वासियों को जुहार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसा है कि हमारे सुप्रीमो जी JLKM पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो जी ने हम पर विश्वास जताया और हमको टिकट दिया। आज स्थिति यह है कि मैं सब पर भारी हूँ जी, बहुत आगे चल रहे हैं हम और मेरा काम करने का तरीका अलग है। प्लस क्या है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ 20-25 साल से आए, जो हुए, वो झरिया के लिए कभी कुछ काम नहीं किया जी, अपना पेट भरने का, अपना पॉकेट भरने का काम हुआ। यहाँ पर सिस्टम खाली है, ये है कि क्या बोलते हैं, मैंने पोल्यूशन जोरों पर है, पानी की समस्या है। दूसरा बात क्या है, रुकोगे मिनट, तो पानी की समस्या है, आपका क्या नाम है, यहाँ पोल्यूशन की समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। 1932 के खतियान धारक हैं जिसका जमीन ने BCCL ने लूट लिया, कई कंपनियां लूटी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो हम ही जानते हैं कि विधायक का मतलब होता है कि जटिल समस्या को काम करना, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ। रोड नली गली कोई बना करके श्रेय लेता है कि हम विधायक हम बना कर ये किए हैं, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि झरिया नगर निगम, झरिया विधानसभा पूरा नगर निगम में सेटल है जी। पूरा 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 विधानसभा मैंने वो नगर निगम आता है, तो नली गली बनाने का काम तो पार्षद का है, अब फंड भी उसके पास है। तो निश्चित तौर पर यदि हमको चांस मिलता है और झरिया वाले लोग देते हैं, क्योंकि झरिया में अपनी बदलाव का सीमा है, बदलाव तो बदलाव, क्योंकि दोनों लोगों को देख देख चुका है झरिया वाले, कभी ये कभी ये कभी ये, अपनी बदलाव चाहते हैं, जिसमें हम एक नंबर में अभी चल रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है वर्षों से यहाँ पे सिंह मेंशन का गढ़ कहा गया है, झरिया विधानसभा, उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पे विधायक बनते हैं, चाहे इस पार्टी को हो उस पार्टी को हो, आप वहाँ पे अगर विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे बताएं? सबसे पहले मैं जितनी समस्या है उस पर मैं जोर शोर से काम करूंगा और दिखाऊंगा कि विधायक क्या होता है, विधायक क्या होता है हम दिखाएंगे। और मेरा सबसे पहला काम है बेरोजगारी पर, यहाँ अचल सीमा पर बेरोजगारी है, उसके लिए भी काम करना है हमको। पोल्यूशन तो बताएं आपको, मैंने एक पार्टी कह रहा है आप BJP का वही टीम का काम कर रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है, आप जीत का दावा कर रहे हैं जी? जी ऐसा है कि 2014 में भी हमने चुनाव लड़ा था जी, उस समय भी बी टीम का हमको कहा गया था कि हम सिंह मेंशन के सपोर्टर हैं जी। तो मैं जब सिंह मेंशन का सपोर्टर हूं तो अपना चुनाव 2019 में छोड़ करके कांग्रेस के प्रत्याशी को हमने टिकट दिलाया, पूर्णिमा नीरज सिंह को, और हमने जिताने काम के अपने चुनाव छोड़ दिया। क्योंकि देखो यार, दो बात समझ लो, मैं गीता पढ़ा हूँ, रामायण भी पढ़ा हूँ, कुरान का भी हम मुताला करता हूँ। अल्लाह ने एक ही बात बताया, रोटी की चिंता मत करना, तुमको दुनिया में भेजे दूसरे की सेवा के लिए, मेरा वही परमो धर्म है। हमको लगी थी वो लेडी हमसे बेहतर है, हमने सीट छोड़ दिया, आज सीट छोड़ जिताया। तब क्यों नहीं ये लोग कहा कि हम बी टीम है, क्यों नहीं कहा? यदि मैं बी टीम रहता तो मैं सिंह मेंशन को जिताने के लिए फिर से खड़ा होता, लेकिन झरिया में कभी कांग्रेस कभी जीता नहीं जिंदगी में, हमने जिताया, हमने अपनी सीट छोड़ करके, वो दिन तो कोई नहीं कहा। लेकिन आज जो उसके खिलाफ, मतलब हम किसी खिलाफ नहीं है, आज हमारी पार्टी, चूंकि हमको लगा कि हमसे बेहतर काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये हमारे जीवन का भूल था,
मैंने उसको भूल सुधारने के लिए फिर से मैं खड़ा हूं। अब बोल कौन रहा कदा ड्यूटी में, जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा लो ना, हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो उनके घर से खाना चलता है उसका, तो भैया जब उनके यहाँ नौकर है तो नौकर तो भैया मालिक का आदेश तो सुनेगा ही। अभी देखिए ना, अभी तो एक आपकी जैसे एक न्यूज चैनल वाला हमारे पूरी बुराई बतिया रहा कि इतना इतना केस है, उस आपके माध्यम से उस रिपोर्टर के या वो चैनल वाला को हम कहते हैं कि आपको यदि इंसानियत है तो सारा केस डिटेल्स लेकर के आइए, देखिए हम उसमें मेरे पास क्या सबूत है। आप बिना हमसे बात किए मेरे चरित्र पर कैसे दाग लगा सकते हैं। मैं चुनाव के बाद उनके उन पर मानहानि का केस ठोकूंगा ही, क्योंकि पत्रकारिता क्या है, चौथा स्तंभ है। यदि किसी के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जानकारी लीजिए, तब अपने चैनल पर दिखाइए। बिना जानकारी का कैसे दिखा सकते हैं, कितना पैसा दिया आपको हमारे विरोधी ने, ये भी हम आपके सामने मैंने कह रहा है। इसी तरह से देखिए, छोटे लोगों का कमजोर लोगों का क्या अधिकार नहीं राजित करने का है? हमारे झारखंड वासियों ने दिखाया, एक गरीब आदमी जयराम महतो जी जिसका घर है ना कोनो बढ़िया व्यवस्था है, आज कहाँ है, तीसरा मोर्चा में जा खड़ा हो गया। पूरे झारखंड में उनके डर से सारे प्रत्याशी कांप रहे हैं, आने वाला दिन में मुख्यमंत्री वही होगा। तो भगवान है, ईश्वर है, और आज इसी सोच के साथ जनता जरिया का हमारे साथ खड़ा है कि भाई नहीं रुस्तम जी आपको चुनाव आना होगा और इंशाल्लाह हम जीत भी जाए। जिस तरह आप दावा कर रहे हैं जीत आपकी पक्की है, सिटिंग विधायक भी दावा करे जीत मेरी पक्की है, तो क्या लगता है आप उनको टक्कर दे पा रहे हैं? टक्कर मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं, टक्कर सब हमारे टक्कर में, हमसे टक्कर ले रहा लो। आज मेरा पावदान खूब बढ़िया से आगे है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है, यहाँ 1932 खतियान है, पर सारे समाज का वोट हमको मिल रहा है।